गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम अगेन। यस, पेज नंबर 64। यस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 64। वी हैव कवर्ड अप टू पेज नंबर 63। वी हैव स्टडीड अबाउट प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड एक्सटेंट ऑफ रोमन एम्पायर टू द फोर्स, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इसकी जो सीमाएं हैं वो हम जान चुके हैं। नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, मतलब कहाँ तक फैला हुआ है आपका ये, और टू पावर्स को हम जान, टू ग्रेट पावर्स, सुपर पावर्स रोमन एंड ईरान, इसके बारे में हम जान चुके हैं। प्रोग्रेस के बारे में हमने पढ़ा था, पब्लिक बाथ इट्स अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ रोमन एम्पायर, दे स्टार्टेड टू बिल्ड अप इन in 2.5 centuries. Now I am going to start now. Yes, page number 64. The third century crisis. अब third century crisis संकट एक problems create होती है Roman Empire में from different sides. या हम दो तीन संकट के crisis के बारे में हम जानेंगे इसमें. Yes, इसमें है in the first and second century. वर बाई एंड लार्ज ए पीरियड ऑफ पीस, आप पढ़ चुके हैं पहली सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी और लगभग हाफ सेंचुरी, मतलब 2.5 सेंचुरी, किस तरह का दौर था, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का, शांति और सौहार्द का ये पीरियड रहा है डिफरेंट एम्परर्स के अंडर में, और इकोनॉमिक एक्सपेंशन, और इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी काफी हुआ है, आर्थिक विस्तार भी काफी हुआ है। तो थर्ड सेंचुरी ब्रॉड, अब थर्ड सेंचुरी जो फर्स्ट पार्ट है, ब्रोक द फर्स्ट मेजर साइंस ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ, इंटरनल स्ट्रेंथ, अंदरूनी आंतरिक झगड़े, जिसे हम कह सकते हैं सिविल वॉर, गृह युद्ध शुरू हो जाते हैं, मतलब आंतरिक स्ट्रेंथ तनाव शुरू हो गया। किस तरह शुरू हो गया, एक तरह से केओस, कंफ्यूजन एंड केओस की सिचुएशन क्रिएट हो गई रोमन में। क्यों, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ से जर्मन लोग और नियर ईस्ट से यूफ्रेट्स के वेस्ट में जो कंट्रीज थे, टेरिटरीज थी, उन्होंने हमले शुरू कर दिए, उन्होंने डिस्टर्बेंस फैलाना शुरू कर दिया। उसी को हम इसमें पढ़ेंगे फ्रॉम 230s, 230 के बाद से द एम्पायर फाउंड इट सेल्फ फाइटिंग ऑन सेवरल फ्रंट फ्रंट मोर्चे, 200 मतलब 250 साल के बाद, 230 के बाद से जो एम्परर था, रोमन एम्पायर था, इसने क्या देखा अपने अंदर, अनेक अनेक मोर्चों पर अलग अलग साइमल्टेनियसली एक साथ अनेक मोर्चों पे इसने फाइटिंग अपने आप को लड़ते हुए पाया। इन ईरान एन्यू, ईरान में एक नई डायनेस्टी क्रिएट हो गई थी, एक नई डायनेस्टी प्रिवेल हो गई थी, उसका नाम था ससानियन। इससे पहले कौन थे, पार्थियंस, ठीक है, पार्थियंस रिप्लेस होकर अब ससानियंस आ गए, एक नया ग्रुप आ गया, एक डायनेस्टी आ गई, और इस डायनेस्टी ने 15 साल के अंदर अंदर वर एक्सपेंडिंग रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ द यूफ्रेट, और इन्होंने अपना प्रभाव, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते बढ़ाते यूफ्रेट के वेस्ट तक आ गए। यूफ्रेट रिवर है, उसके वेस्ट तक जो सीमाएं थी रोमन एम्पायर की, वहां से ये लोग एंटर हो गए, है ना, लौटते लौटते वहां पर आ जाएंगे, और ये एक्सपेंडिंग रैपिडली इन्हें फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन, और ये सारी चीजें कहाँ मिलती है, एक मशहूर एक फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन, एक बड़ी चट्टान है, उस पर 3 languages में कुछ लिखा है उस दौर के बारे में, वहां से ये बात मिलती है, कट इन 3 languages। शाहपुर जो है ये ससानियन, मतलब ईरान का राजा है, शाहपुर फर्स्ट वहां का द ईरानियन रूलर है, क्लेम, और इसने क्लेम किया है, उसने चट्टान पे लिखा है, ये सारी बातें लिखी है, अकाउंट लिखा है, उसने ये दावा किया है कि दैट ही हैड एनिहिलेटेड, उसने पा लिया है एनिहिलेटेड रोमन आर्मी, 60,000 की जो रोमन आर्मी थी उस पर इसने विजय पाली है, ये उसने लिखा है, एंड इवन कैप्चर्ड द ईस्टर्न कैपिटल ऑफ
एंटियोच, मैप में देखिएगा आप, एंटियोच जो ईस्टर्न पार्ट है रोमन का, उस पर उसने कब्जा कर लिया है। ये उस चट्टान पे इंस्क्राइब इंस्क्रिप्शन मिला है लिखा हुआ, ये एविडेंस है इस बात का। और ईस्टर्न कैपिटल ऑफ एंटियोच, एंटियोच जो ईस्टर्न कैपिटल है किसकी, रोमन एम्पायर की, इस पे इसने कब्जा कर लिया। मीन वाइल इसी बीच में ए होल सीरीज ऑफ जर्मेनिक, उधर आप देखेंगे जो जर्मन है, आज का जर्मन को भूल जाइए आप, उस वक्त का जर्मन जो नॉमेडिक था, यहाँ कबीले रहा करते थे, बिल्कुल अनसिविलाइज लोग थे, उन लोगों ने डेन्यूब और राइन रिवर की तरफ बढ़ते बढ़ते ये रोमन एम्पायर में एंटर हो गए थे और अनेक रीजन्स पर इन्होंने कैप्चर कर लिया था। इस तरह से रोमन में ये क्राइसिस चल रहा है, ये संकट चल रहा है, बाहरी जो लोग हैं वो इन्वेजन पर उतारू हैं, हमले कर रहे हैं, स्ट्राइक इन द रादर ट्राइबल कॉन्फिडेंसीज, ट्राइबल वही कबीले के लोग, जनजातीय लोग, कॉन्फिडेंसी संघ ग्रुप, ये जो लोग थे, ये कौन कौन सी ट्राइबल कॉन्फिडेंसी, नंबर वन एलेमानी, द एलेमानी, द फ्रेंक्स और द गॉथ, ये कबीले हैं जर्मन्स के, इनको याद करना है आपको, इन कबीलों ने हमले कर दिए, ये आगे मूव कर गए रोमन एम्पायर, बिगेन टू मूव अगेंस्ट द राइन, ये राइन और डेन्यूब जो रिवर है, जो बाउंड्री है रोमन एम्पायर के नॉर्थ में, उसके अंदर ये घुस गए और एक बड़े इलाके पर इन्होंने कब्जा कर लिया। एंड द होल पीरियड, और ये जो पूरा पीरियड था, टू कहां से लेकर 233 टू 233 टू 280, ये जो ईयर से इन्हें काउंट कर लें आप, फाइव रिपीटेड इन्वेजन्स इन सालों के अंदर, बार बार ताबड़तोड़ हमले डिफरेंट डायरेक्शन से रोमन एम्पायर पे होते रहे। इस साइड में ईरान है, नॉर्थ में जर्मनी जो कबीले हैं जिसके नाम यहाँ पर आए हैं, उन्होंने हमले करते रहे, ठीक है। और फ्रॉम द ब्लैक सी टू द एल्प्स एंड द सदर्न जर्मनी, ये मैप में देखिएगा आप, वहां मिलेंगे आप, द रोमन्स वर फोर्स्ड टू अबैंडन मच ऑफ द, अब रोमन जो थे वो मजबूर हो गए और उन्होंने अपने अधिकांश पार्ट को छोड़ दिया, उनके हाथ से निकल गया, मच ऑफ देयर टेरिटरी बियॉन्ड द डेन्यूब, डेन्यूब रिवर के बाहर तक, काफी हद तक तो डेन्यूब रिवर के उसके अंदर तक ये लोग आ गए कबीले वाले। द रोमन वर फोर्स्ड बियॉन्ड द, व्हाइल द एम्पायर ऑफ दिस पीरियड वर कॉन्स्टेंटली इन द फील्ड अगेंस्ट व्हाट द रोमन कॉल्ड बारबेरियंस, और जो रोमन एम्पायर था उसके जो फौजी थे अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगहों पर जो डिप्लॉयड थे, वो इनके हमलों से परेशान हो गए और वो हमेशा फील्ड में रहा करते थे, कब कौन हमला कर दे और कब उनका सामना करना पड़ जाए। और उन्होंने इस इनको नाम दिया, इन इन्वेडर्स को, इन आउटसाइडर इन्वेडर्स को नाम दिया बारबेरियंस, मीन्स अनसिविलाइज पीपल, किस तरह के लोग ही है, किस तरह से उनको ये नाम जो है बारबेरियंस दिया। द रैपिड सक्सेशन ऑफ द एम्पायर्स इन द थर्ड सेंचुरी में रैपिड सक्सेशन, मतलब एक के बाद दूसरा शहंशाह बैठा सिंहासन के ऊपर, रैपिड एक के बाद, मतलब ये कह रहा 47 ईयर्स में 25 एम्पायर्स चेंज हुए सिर्फ इस संकट की वजह से। 25 एम्पायर्स इज एन ऑब्वियस सिम्पटम, ये एक जीता जागता हमारे सामने प्रमाण है, 47 ईयर्स में इतने सारे लोग, इतने एम्पायर सिंहासन पर आए और गए, ऑफ द स्ट्रेंथ फेस्ड बाय द एम्पायर इन दिस पीरियड। अब हम देखते हैं रोमन एम्पायर का जेंडर, वहां का मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है, क्या पैरिटी है, क्या डिस्पैरिटी है, लिटरेसी वहां की लिटरेसी कैसी है, कितने लोग पढ़े हैं कितने नहीं है, और वहां का कल्चर, वहां की संस्कृति, इन तीनों चीजों के बारे में हम इसमें जानेंगे। इंटरेस्टिंग है, इसको आप सुनिए। वन ऑफ द मोर मॉडर्न फीचर्स ऑफ रोमन सोसाइटी, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम रोमन सोसाइटी, रोमन समाज जो बिल्कुल आधुनिक लेटेस्ट समाज है 13th सेंचुरी के अराउंड, वॉज द वाइड स्प्रेड प्रिवेलेंस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, वो था छोटा परिवार, छोटा परिवार सुख का आधार, ये जो चीज थी ये वहां शुरू होती है 300th सेंचुरी में शुरू होती है। ये आप पढ़ चुके हैं न्यूक्लियर फैमिली, जहां पर वाइफ एंड हस्बैंड और उनके एक दो बच्चे या उनके साथ उनकी बहू
या बेटा कभी कभी, उसे कहते थे। ये इसका जो चलन था वहां शुरू हो चुका था। एडल्ट सन्स डिड नॉट लिव विद देयर, जो बड़े बच्चे होते थे जवान होने के बाद, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहा करते थे, इसलिए ये फैमिली न्यूक्लियर रहा करती थी। कुछ को छोड़कर कुछ रहा करते थे एक्सेप्शनली, बाकी ये वहां कल्चर थी फैमिली। एंड इट वॉज एक्सेप्शनल फॉर एडल्ट ब्रदर्स टू शेयर ए कॉमन हाउस होल्ड। कॉमन हाउस होल्ड, एक ही घर में बेटों का बहू का रहना, ये कॉमन नहीं था, ये अनकॉमन था। कुछ ही घर ऐसे होते थे जहां किसी प्रॉब्लम की वजह से उनके बेटे या बहू उनके साथ रहते थे, अदरवाइज उनके बड़े बच्चे जो एडल्ट हो जाते थे, शादी हो जाती थी, वो अलग ही रहा करते थे। ये सोसाइटी का वहां सिस्टम था, ये पैटर्न था। क्रिकेटर ऑन द अदर, इसके रिपीट, इसके उलट, स्लेव्स वर इंक्लूडेड इन द फैमिली। हाँ, गुलाम, गुलामों का स्पेशल प्लेस था रोमन फैमिलीज में, रोमन कल्चर के अंदर। गुलाम, गुलाम का मतलब दास पर था, ये लोग गुलाम रखा करते थे अपने घरों के अंदर, अपने काम काज के लिए, डिफरेंट चीजों के लिए गुलाम घरों में रखा करते थे, मतलब सर्वेंट, एक तरह सर्वेंट, जो इनके खरीदे हुए हो गए उस वक्त में गुलाम सेल होते थे, बिकते थे, और ये अपने घरों में रखा करते थे। तो गुलाम दास पर था, कॉमन थी रोमन एम्पायर में। वी शेयर ए कॉमन, रोमन अंडरस्टूड बाई द लेट रिपब्लिक द फर्स्ट सेंचुरी के एंड में द टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज वॉज वन वेयर द वाइफ डिड नॉट ट्रांसफर टू अर हस्बैंड ऑथोरिटी। अच्छा, अब ये शादी की बात आती है। रोमन सोसाइटी में शादी का क्या आस्पेक्ट था, किस तरह से शादी होती थी, और वाइफ और हस्बैंड के क्या अधिकार हुआ करते थे। जैसे आज हम जानते हैं वाइफ के राइट्स क्या हैं और हस्बैंड के राइट क्या हैं। हस्बैंड का पूरा राइट होता है किस पर, अपनी वाइफ के ऊपर। उस वक्त में वाइफ को काफी ज्यादा राइट्स थे, अधिकार थे अपने हस्बैंड पर, अपने फादर की प्रॉपर्टी पर, और मरने के बाद, मरने से पहले क्या क्या राइट्स थे वो हम जानेंगे, सुनेंगे आप ध्यान से। तो ये कह रहा है कि द फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहा है, वापस ये बैक में जा रहा है, फ्लैश बैक में जा रहा है, और कह रहे हैं द टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज, एक अजीब सी शादी, टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज वाज वन, एक ऐसी थी उस वक्त में वेयर द वाइफ, जहां जब वाइफ डिड नॉट ट्रांसफर टू हर हस्बैंड ऑथोरिटी, जब वाइफ की, वाइफ पर मतलब वाइफ पर उसके पति के पूरे अधिकार नहीं हो, शादी हो जाती थी लेकिन पूरे पूरे अधिकार हस्बैंड के वाइफ पर नहीं होते थे, वाइफ को पूरे अधिकार होते थे, मतलब दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में रहा करते थे। ठीक है, ये ऐसा बताता है, हस्बैंड ऑथोरिटी बट रिटेन फुल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर नेटल फैमिली। नेटल फैमिली, उसका जो नेटल फैमिली है जहां से वो आई है, उसका जो मेका है जहां से वो आई है, उसको जो भी कुछ मिला है दहेज में, उस पर उसका पूरा अधिकार होता था। ठीक है, पूरी पूरी बात चलती थी, किसी भी तरह का इंटरफियरेंस ससुराल वालों का नहीं होता था, ना उसके पति का होता था, उस वक्त में ऐसा रिवाज था। वाइल द यूमस डाउरी, यूमस जब के औरत से जो दहेज होता था, जो मिलता था उसको, वेंट टू द हस्बैंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द मैरिज, है ना, मैरिज के टाइम में जब शादी होती थी तो दहेज देता रहता था, दहेज का पूरा अधिकार औरत का होता था, हस्बैंड का नहीं होता था। ये सब ऑप्शन फॉर चॉइस पर डिपेंड करता था वाइफ की, वो चाहे तो परमिशन दे या ना दे, उस वक्त में ये लीगल राइट थे, कानूनी अधिकार थे, हस्बैंड उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकता था क्योंकि ये लीगल राइट थे उस वक्त में। दस रिमन जो थे, रिमन इस तरह से जो औरत थी उस दौर की, रोमन एम्पायर की जो औरत थी, एंजॉयड कंसिडरेबल, अच्छे खासे कानूनी अधिकार उसको प्राप्त थे इन ऑनिंग, चीजों को रखने में, चीजों को अपना बनाने में, एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी, और जितनी प्रॉपर्टी है उसको व्यवस्थित करने में, उसको मैनेज करने में लेडी को पूरा पूरा हक था, पूरा पूरा अधिकार था। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्द में अगर हम कहें तो इन लॉ, कानूनी रूप से मैरिड कपल वाज नॉट फाइनेंशियली एंटिटी, यानी शादी के बाद जब मैरिड कपल, जो शादीशुदा जोड़ा होता था, उसको अब अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहना होता था, कोई किसी पर एक दूसरे पर इंटर इंडिपेंडेंट नहीं हुआ करते थे उस वक्त के, ये राइट बताते हैं। डाइवोर्स, तलाक जो होती है, जो सेपरेशन होता है, वह रिलेटिवली इजी, बहुत आसान था उस वक्त में तलाक। एंड इट इज नो मोर देन अ नोटिस ऑफ इंटेंट टू डिसॉल्व द मैरिज। और इसमें क्या होता था, जैसे वाइफ को अगर तलाक लेना है तो वो हस्बैंड को एक नोटिस जारी करती थी कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, हस्बैंड को तलाक देना होता था। ठीक है, और हस्बैंड को लेना होता था,
तो ये दोनों को राइट था। आज किसको राइट है? लेडी को नहीं है। लेडी सिर्फ ये कह सकती है मुझे तलाक दो, लेकिन हस्बैंड अगर चाहे तो उसे तलाक दे सकता है। आज के अधिकार अलग है और उस वक्त के अधिकार ये थे। दोनों को ये राइट था, एक दूसरे को एक दूसरे तलाक मांग सकते हैं, एक दूसरे को वाइफ भी हस्बैंड को तलाक दे सकती थी। इस तरह का कुछ रूल था उस वक्त में, मतलब बराबर के अधिकार थे जो दिए हुए थे, पूरे पूरे अधिकार लेडीज को दे सके। बताया डाइवोर्स वाज रिलेटिवली इजी एंड लेडी टू मोर एन ए नोटिस ऑफ इंटेंट टू डिसॉल्व द मैरिज, है ना। मैरिज को भंग करने के लिए, खत्म करने के लिए एक नोटिस काफी होता था एक दूसरे की तरफ से, डाइवोर्स मैरिज बाय आइदर हस्बैंड और तरफ से या ऑन द अदर एंड इसके विपरीत वेयर इज मैन्स मैरिड टू देयर लेट ट्वेंटीज। इसके अलावा उम्र जो एज होती थी, एज ग्रुप भी बाद में देखा गया। लेडीज और जेंट्स मैन और फीमेल के बीच में एक अच्छा खासा 8 से 10 साल का गैप रखा जाता था, ये चीज भी देखने में आती है नहीं। लड़की की शादी 3 एज से पहले या 3 एज के बाद या 20 साल से पहले या 20 साल के आसपास रहती थी, और लड़के की जो उम्र होती थी वो 30 से कम होती थी या 20 के बाद ऐसे कुछ रखी जाती थी। जैसे कि बता रहे अर्ली 30s वीमन वर मैरिड ऑफ इन द लेट टीन्स और अर्ली 20s या स्टार्टिंग में 20 साल की उम्र के आसपास उसकी शादी हो जाती थी, और लड़का भी 25-26 साल का होता था। ये गैप, मैरिज गैप, एज गैप, इसको रखा जाता था। फिर कहता है सो देयर वाज एन एज गैप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड दिस वुड एनकरेज अ सर्टेन इनइक्वालिटी। यहाँ पर थोड़ी सी असमानता थी, इस असमानता को, डिस्पैरिटी को एनकरेज किया गया कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में एक डिफरेंस रखा जाए। इसके अलावा जो हमने पढ़ा वहां पर सब दोनों इक्वल हैं, बल्कि वाइफ को ज्यादा पावर है, औरत है उसको ज्यादा पावर दिए गए थे उस टाइम में। मैरिजेस वर जनरली अरेंज, शादी जो होती थी वो आमतौर से अरेंज हुआ करती उस वक्त में। एंड देयर इज नो डाउट दैट वीमन वर ऑफन सब्जेक्ट टू डोमिनेशन बाय देयर हस्बैंड, और इसमें कोई शक नहीं। हमेशा की तरह ये जो फैमिली है, ये जो हमारा सोसाइटी है, ये मेल डोमिनेंट रहा है, पुरुष प्रधान समाज रहा है। ये चीज तब भी थी शायद, मतलब अधिकार होने के बाद भी ये मेल होता था। धीरे धीरे वक्त बदलता गया है नहीं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पास्ट ऑफ टाइम दीज इवेंट्स आर चेंजिंग है नहीं, संभव रादर। तो जो हस्बैंड होता था उसका वो जो था वो डोमिनेंट हुआ करता था। हस्बैंड तो मर्द होता है, वो डोमिनेंट हुआ करता था अपनी वाइफ पर, डोमिनेशन बाय द हस्बैंड। ऑगस्टाइन नाम का एक पुजारी है, एक बिशप है हमारे चर्च के, द ग्रेट कैथोलिक बिशप है ये, हु स्पेंड मोस्ट जिन्होंने नॉर्थ अफ्रीका में अधिकांश अपना जीवन गुजारा। और वो बताते हैं कि मेरे घर में और मेरे पड़ोस में उन्होंने, ये छोटे थे उस वक्त, और इन्होंने अपनी मदर को अपने पापा के थ्रू पिटते हुए देखा है। वो पिटाई करता थे इनके फादर, और इनके आसपास, इनके अराउंड जो पड़ोस था लेबर था, वहां पर भी जो मर्द होते थे वो अक्सर अपनी वाइफ को किसी बात पर उन पर डोमिनेंट रहा करते थे, उन पर ताश तंबी किया करते थे। ऐसा इसने बताया है, दैट इज मदर वाज रेगुलरली बीटन है नहीं बाय हिज फादर एंड दैट मोस्ट अदर वाइफ। इस तरह से दूसरी टू द स्मॉल टाउन वेयर ही ग्रू अप सिमिलर ब्रूजेस टू शो, ब्रूजेस पिटाई के बाद जो चिन्ह पर उन्हें ब्रूजेस कहते हैं, ऐसे में देखता था अपनी माँ के और लेडीज के। फाइनली फादर्स हैड सब्सटेंशियल लीगल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन, अब बाप का बच्चों पर अच्छा खासा अधिकार। ये तो वाइफ और हस्बैंड के बीच के अधिकार थे, कौन किसके साथ क्या कर सकता था या करता था। अब फादर जो था उसके सब्सटेंशियल अच्छे खासे कानूनी अधिकार बाप को दिए गए थे बच्चों के प्रति। समटाइम्स टू ए शॉकिंग डिग्री है ना, कभी कभी तो बहुत ही शॉकिंग डिग्री तक जो व्यवहार था, जो कानून था वहां का, क्या वो क्या था शॉकिंग डिग्री में, ए लीगल पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इन एक्सपोजिंग अनवांटेड चिल्ड्रन। अगर पेरेंट्स नहीं चाहते कि कोई बच्चा हो उनके, और अगर बच्चा हो गया ठीक है ना, तो ये कानून था उस वक्त में कि उसके फादर को ये मतलब कानून दिया हुआ था कि अनवांटेड बच्चे को वो मार सकते हैं या उसको बड़ा कर सकते हैं, उसकी तरबियत कर सकते हैं। उनको राइट था, ये कोई कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती थी अगर वो बच्चे को मार देते, जैसा कि आज होता है। अगर 8 बच्चे को मार दिया जाए, 4 बच्चे या 5 बच्चे या आपके, उसके बाद अगर आप नहीं चाहते और बाई चांस अगर बच्चा हो जाता है और उसको आप कचरे में फेंक आते,
आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि वो कानून आज नहीं है। उस वक्त में ये कानून था एक्सपोजिंग अनवांटेड चिल्ड्रन, अनचाहे बच्चों को कहीं भी छोड़ दें, उसको मार दें या उन्हें जिंदा रखें, ये इन पे डिपेंड करता था। बाय लिविंग देम आउट इन द कोल्ड, या वो उनको क्योंकि सर्दी पड़ती है, चाहे वो खुले में रखे आ जाए, कचरे के ढेर पे छोड़ दें सर्दी में मरने के लिए, तो उनको वो राइट था। अब नेक्स्ट आता है लिटरेसी, ये था सोसाइटी। अब पढ़ेंगे हम लिटरेसी के बारे में, वहां में कितने लोग पढ़े लिखे थे, कौन कौन पढ़ता था। व्हाट अबाउट लिटरेसी, इट इज सर्टेन दैट द रेट्स ऑफ द लिटरेसी कैजुअल लिटरेसी, कैजुअल लिटरेसी एक आमतौर से है ना, जो साक्षरता थी वेरीड, इसमें भिन्नता थी साक्षरता में ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर, पूरे एम्पायर के अलग अलग हिस्सों में कहीं ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, कहीं कम पढ़े लिखे लोग थे। जैसे पोम्पी, एक नाम आता है पोम्पी, जो बाद में खुदाई के अंदर ये डिस्कवर हुआ था, एमर्ज हुआ था, और ये वॉल्केनिक एरप्शन में दब गया था। तब 79 में वॉल्केनो आया था और उसमें ये शहर जो था पोम्पी ये दब गया था। उसके बाद जब इसको बाहर निकाला खोदने के बाद, तो इट इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छे प्रमाण, इसने मतलब इसमें बहुत ऐसे ऐसे प्रमाण ऐसे सबूत मिले इस पोम्पी सिटी से कैजुअल लिटरेसी, मतलब यहाँ जो लिटरेसी थी वो किस तरह थी, किस हद तक फैली हुई थी। वॉट ऑन द मेन स्ट्रीट्स ऑफ पोम्पी, पोम्पी की जो सिटी थे, सिटी की जो दीवारें थी उस पर विज्ञापन लिखे हुए मिले, और बहुत से पेंटिंग मिली, कैरिकेचर्स मिले जो ये शो करते थे उस वक्त की जो हुकूमत थी, जो वहां का पावर था, वो इस तरह की चीजें मतलब वहां लिटरेसी थी ये शो करता। ग्रेफिटीज वर फाउंड ऑल ओवर द पूरे सिटी के अंदर, दीवारों पर एडवर्टाइजमेंट और ग्रेफिटीज, ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये ग्रेफिटीज होती है, ये उसमें देखने को मिली प्रमाण के रूप में। फिर कहता है बाई कंट्रास्ट, हाँ, इन इजिप्ट वेयर हंड्रेड्स ऑफ पपायरी सर्वाइव। अब इजिप्ट में क्या था, आप पढ़ चुके हैं पेपायरस है ना, एक तरह का मटेरियल होता है, ठीक है ना, लकड़ी का लुगदी होती है जिसको लैप किया जाता है और उस पर लिखा जाता था। तो इजिप्ट में ऐसे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेपायरस मटेरियल मिला है जिस पर इतिहास लिखा है उस वक्त का, और वो ये शो करता है इन मेनी वेज एंड मेनी लेवल, अनेक लेवल्स पर और अनेक तरीकों से, इन द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन कल्ट, उसमें धार्मिक जो पंथ हैं, जो रिलीजियस, कहाँ कौन सा धर्म को अपनाया जाता है, कौन से देवी देवताओं की वर्शिप की जाती है, उस पेपायरस पर ये चीज देखने को मिली है। पेपायरस पर द प्योरिटी ऑफ द लैंग्वेजेस, मतलब कितनी तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती थी, यह अभी उस पर लिखा हुआ है। लैंग्वेज डेट वर्क द स्टाइल्स ऑफ ड्रेस, किस तरह की उस वक्त इजिप्ट में वो जो लोग थे, किस तरह की उनकी वेशभूषा थी, कपड़े थे, कॉस्ट्यूम था, फूड किस किस तरह के वो लोग खाना खाते थे अलग अलग जगहों पर। जैसे आपके इंडिया में, बंगाल में जाएंगे चावल फिश खाएंगे, साउथ में जाओगे वहाँ भी चावल खाएंगे, नॉर्थ में रोटी खाते, ऐसे अलग अलग वेशभूषाएं कल्चर, ये इसके बारे में। तो लैंग्वेज फूड है, देयर फॉर्म्स ऑफ सोशल, और उनकी सामाजिक, जो उनके सामाजिक संगठन है वो भी डिफरेंट, ये सब चीजें वेरीड हैं, वेरिएंट हैं, डिफरेंट हैं, जो आप देख रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में कौन, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल, कुछ ट्राइबल हैं कुछ नॉन ट्राइबल हैं, कुछ सिविलाइज्ड हैं कुछ अनसिविलाइज्ड हैं, इवन देयर पैटर्न्स ऑफ हद, तो ये है कि इनके रहने सहने के जो जिनकी बस्तियां हुआ करती थी उनमें भी अंतर था। जैसे आप इंडिया में कश्मीर में जाओगे वहां के मकान अलग मिलेंगे, बंगाल में जाओगे वहां की जो मकान का स्टाइल है पैटर्न है वो डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह से भिन्नता देखने को मिलेगी आपको इसमें। ग्रुप ऑफ ये कह रहा है फिर एरेमिक वाज द डोमिनेंट लैंग्वेज, एरेमिक जो थी ये डोमिनेंट लैंग्वेज थी, आमतौर से बोली जाने वाली भाषा थी वहां की रोमन एम्पायर में, ये 3rd century के अराउंड। फॉर्म्स पैटर्न ऑफ लैंग्वेजेस, ग्रुप द नियर ईस्ट, कहां की थी एरेमिक, नियर ईस्ट वेस्ट पार्ट ऑफ यूफ्रेट, ईरान के यूफ्रेट मतलब ईरान का वेस्ट पार्ट है ना, ये कहलाता है नियर ईस्ट है ना, यहाँ एरेमिक लैंग्वेज बोली जाती थी, एटलीस्ट वेस्ट ऑफ द
ओके कॉप्टिक, ये कह रहा है कॉप्टिक जो होती है इजिप्ट के, इजिप्ट में कॉप्टिक लैंग्वेज बोली जाती थी, और प्यूनिक एंड बर्बर, प्यूनिक एंड बर्बर जो थी ये नॉर्थ अफ्रीका में बोली जाती थी, सेल्टिक स्पेन में और नॉर्थ वेस्ट में बोली जाती थी, स्पेन नॉर्थ वेस्ट, बट मेनी ऑफ दीज लिंग्विस्टिक कल्चर, लेकिन इनमें अधिकांश जो लिंग्विस्टिक कल्चर था, जो जो भाषाई संस्कृति थी, संस्कृति थी वर प्योरली ओरल, ये बिल्कुल ओरल थी, मौखिक थी, राइटिंग कुछ भी नहीं था अधिकांश लैंग्वेजेस, कुछ ही लैंग्वेजेस राइटिंग में लिखी जाती थी, उनको लिखा जाने का एक कल्चर था, या उनकी उत्पत्ति, इट एटलीस्ट अंटिल स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय देम, लिंग्विस्टिक कल्चर प्योरली, एटलीस्ट अंटिल स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड फॉर देम, और अमेरियन, अमेरियन फॉर जो अमेरियन, वही अमेरिक, अमेरियन जो थी ओनली बिगन टू बी रिटर्न एज लेट एज द 5th सेंचुरी, जो अमेरियन, जो अमेरिकन सॉरी आर्मेनियन जो लैंग्वेज थी, ये 5th सेंचुरी के आसपास इसको लिखा जाने लगा और ये डोमिनेंट हो गई थी उस वक्त में, वेर इज देयर वाज ऑलरेडी ए कॉप्टिक, जबकि इजिप्ट में कॉप्टिक लैंग्वेज बोली जाती थी, लेकिन ये लैंग्वेज भी उस वक्त धीरे धीरे इसने अपने पैर पसार लिए थे। इसके बाद आता है नेक्स्ट बाइबल, उस वक्त में बाइबल का जो ट्रांसलेशन है जो मिला है इजिप्ट में वो कॉप्टिक लैंग्वेज में मिला है, ये प्रमाण ऐसे मिलते हैं। फिर कैसा है तो 3rd century के मिडिल में बाइबल जो मिली है उस वक्त में वो कॉप्टिक लैंग्वेज जो इजिप्ट में बोली जाती थी उसमें बाइबल लिखी मिली है। एल्सवेयर द स्पिरिट ऑफ लैटिन डिस्प्ले द रिटेन फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस। अच्छा, इसके अलावा यूरोपियन, इसमें जो रोमन, रोमन जो एम्पायर था इसमें अनेक जगहों पर, अनेक जगहों पर क्या था, कई जगहों पर डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज बोली जाती थी, ओके ये आप सुन चुके हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेज ऐसी थी जिनका कल्चर, जिनका जो सिस्टम था वो ओरल था, ठीक है ना, जबानी एक दूसरे से, मतलब राइटिंग में था। धीरे धीरे लैटिन लैंग्वेज जो थी कुछ लैंग्वेज पर डोमिनेट हो गई, ओवरलैप हो गई, उनको पेंटअप कर दिया और ये वो सबड्यू हो गई और लैटिन लैंग्वेज छा गई, प्रिवेलेंट हो गई वहां पर, और इसमें बहुत से कामकाज होने लगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ओके ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके सामने, इनको आप अपनी आंसर बुक में करेंगे। अब तक जो आपने क्वेश्चंस किए उनके आंसर बिल्कुल सही है, और कुछ लोगों ने तो मैप्स, मैप पर बहुत शानदार किया, उनमें कलर किया है सही, उनके लोकेशन है, वेल डन, इनको आप लर्न करें, इनके लोकेशन को आप पिन पॉइंट करें, उनको माइंड में इम्बाइब करें, है ना, क्योंकि मैप आएगा एग्जाम में तो फिर आपको उनको भरना होगा, ये ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन आप उतार लें, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड रोमन कम इन टू कॉन्टेक्ट विथ कार्थेज, नंबर 2 है डिफाइन द टर्म प्रिंसेप्स एंड प्रिंसिपेट, इन दोनों में क्या अंतर है, 3rd है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविंसेस एंड प्रोटेक्टोरेट में डिफरेंस क्या है, 4 है आपका कॉमन कमेंट ऑन लिटरेसी इन रोमन सोसाइटी, रोमन सोसाइटी में लिटरेसी की क्या महत्वता है, और व्हाट पैक्स रोमाना, पैक्स रोमाना क्या है, इसके बारे में, ओके थैंक यू सो मच।